नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। तो यूपी में निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन था। आज तमाम दलों के प्रत्याशियों द्वारा नामांकन किया गया। वहीं राजधानी लखनऊ में भी महिला मेयर प्रत्याशियों द्वारा पूरे जोश और विश्वास के साथ नामांकन की प्रक्रिया पूरी की गई है। भाजपा की महिला मेयर प्रत्याशी सुषमा खरकवाल के नामांकन के तमाम बड़े नाम शामिल हुए, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत कई महत्वपूर्ण और अनुभवी राजनेताओं ने नामांकन में शामिल हो बीजेपी प्रत्याशी सुषमा खरकवाल का उत्साह बढ़ाया है। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से खास बातचीत की है। निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है, बिगुल फूक चुका है और यहाँ पर नामांकन हो रहा है। हमारे से बात करने के मौजूद है पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, जानते हैं क्या तैयारियों के साथ जनता के बीच जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का एक मॉडल बना है यूपी। यहाँ पे सड़क नाली खड़ंजा से लेकर शिविर से लेकर और सड़कों पर विद्युत की योजना, कूड़ा का निस्तारण, ये सारी चीज़ें बड़े व्यवस्थित तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नगर निकायों ने किया है और मैं समझता हूँ कि अभूतपूर्व विजय इस बार निकायों में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। तब एक एजेंडा जरूर बनाया जाता है पार्टी तरफ से, एजेंडा यही है, सफाई, सड़क नाली खड़ंजा, बेहतर कूड़ा मैनेजमेंट, स्मार्ट सिटी का प्रयोजन, ये सारी चीज़ें हमारी प्राथमिकता हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि केवल काम नहीं हुए, केवल यहाँ पर दावे हैं। हाँ, विपक्ष पास यही तो आरोप नहीं है, केवल काम ही काम तो हुआ है। लखनऊ घूम के आओ, चारों तरफ आपको कहीं आउटर रिंग रोड मिलते बनते दिखेगा, कहीं पुल का निर्माण होते दिखेगा, कहीं बिजली के खंभे लगते दिखाई पड़ेंगे, कहीं बड़े बड़े हाई मास्ट लगते दिखेंगे। यही तो विकास है, इससे बड़ा विकास कब हुआ है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और रहेगा कि यहाँ पर जिस तरह से एक अलग तरह की व्यवस्था चल रही है, उसको ये कहा जा रहा है कि योगी सरकार यहाँ पर माइनॉरिटी को टारगेट करके काम कर रही है। माइनॉरिटी हमारे साथ है, विपक्ष का साथ ये पुरानी जमाने की बात है और माइनॉरिटी हमारी प्राथमिकताओं में से जो उनके आवश्यकताएं, उनकी प्राथमिकता के आधार पर उनकी समस्याओं को बीजेपी ने हल किया है और आज कई माइनॉरिटी के प्रत्याशी हमारे बीजेपी से लड़ रहे हैं। रामपुर और आजमगढ़ से अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों को हमने जीता है, इसलिए जो कह रहे हैं वो पुराने ज़माने की बात कह रहे हैं। नया जमाना मोदी के साथ, नया जमाना मोदी के साथ, ये कहना है पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का। बेहतर काम कर रहे हैं उसी आधार पर जाएंगे और माइनॉरिटी को लेकर जो विपक्ष यहाँ पर आरोप बीजेपी पर लगा रहा है वो आरोप निराधार हैं। माइनॉरिटी अब बीजेपी साथ आ चुकी है और उनके लिए लगातार बीजेपी काम भी कर रही है और तमाम प्रत्याशी जो मुस्लिम बहुल इलाके से बीजेपी जुड़ रहे हैं और यहाँ पर उम्मीदवार भी बनाए जा रहे हैं। आने वाले समय में तमाम कड़ी स्थिति बदलेगी, क्योंकि इनका कहना है कि माइनॉरिटी पूरी तरह से मोदी और बीजेपी के साथ है। कैमरा पर्सन के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल फूक चुका है और तैयारियां यहां पर जोरों पर है, नामांकन आज हो रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ इस समय मौजूद है केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, जो मोहल्लागंज से सांसद भी हैं। जानते हैं एजेंडा क्या है, क्योंकि अभी तक एजेंडे की बात यहां पर कोई नहीं कर रहा है, फिलहाल चर्चा जरूरी है। एजेंडा क्या रहेगा, कैसे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, विकसित भारत बनाना, विकसित समाज बनाना और आत्मनिर्भर भारत बनाना, डेवलपमेंट के काम, चूँकि ये लोकल बॉडी के चुनाव हैं, नगर निगम के चुनाव हैं, हमारे खुद के डिपार्टमेंट के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनाए गए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी, इन सारी चीज़ों के तहत और पट्टी दुकानदार, ये सारी चीज़ों की जो योजनाएं बनाई और उसको ज़मीन पे उतारने का काम किया है। करीब आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास 45 लाख के ऊपर दिए जा चुके हैं। शहरों में तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, कचरा घर घर से उठाने जाने का काम किया जा रहा है, स्वच्छ भारत बनाने का, स्वच्छ शहर बनाने का काम, पूरे देश में करीब 4900 शहर हैं उनको हम स्वच्छ भारत मिशन के तहत जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में रहती है, काम करती है। चुनाव में जा रहे हैं, पिछले बार से ज़्यादा अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट देंगे। जो दूसरे दल के विपक्ष के लोग हैं उनका वोटर भी काम के बदले हमारे बीजेपी को वोट देगा, क्योंकि देश में 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन, 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज, 10 करोड़ जनता को गैस सिलेंडर चूल्हे, 16 करोड़ से ज़्यादा किसानों को किसान निधि सम्मान, ये सारी सुविधाएँ, पट्टी दुकानदारों को 10,000 रुपये बगैर ब्याज का लोन, फिर 20,000 बगैर ब्याज का लोन, फिर 50,000 बगैर ब्याज का लोन,
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत। तो शहरों को स्मार्ट बनाने का काम, स्वच्छ बनाने का काम हर घर जल नल योजना के तहत, जल जीवन योजना के तहत 2024 तक प्रत्येक घर में पीने का पानी, पाइपलाइन बिछाकर टोटी से पानी देने का, शुद्ध पानी देने का, ये जो योजनाएं हैं ज़मीन पर उतर रही हैं और उसी के बदले बड़े पैमाने पर वोट जनता भारतीय जनता पार्टी को कमल के निशान पर देने का काम करेगी। मंत्री जी, आपने कहा कि बेहतर काम किए, स्मार्ट सिटी का काम किया है, तमाम तरह के काम किए, जनता के भी उसी माध्यम से जा रहे हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है विपक्ष बोल रहा है कि आपके जो दावे सब किताबी हैं, कोई जवाब नहीं है। गड्ढा मुक्ति अभियान कई बार चलाया गया, इसकी हवा निकल गई, स्मार्ट सिटी की बात करते जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, जवाब क्या रहेगा विपक्ष को? विपक्ष तो बेसिर पैर की बात करता है। क्या विपक्ष है? अखिलेश यादव जी की सरकार रही 2012 से 2017 तक, 5 साल में 18,000 आवास उन्होंने कुल पास किए, वो भी उन्होंने बनाए नहीं, हमारी सरकार आई योगी जी ने बनाने का काम किया, बाकी का उन्होंने कोई काम नहीं किया उसके बदले में। हाँ, उन्होंने कब्रिस्तान जरूर बनाए 2012 से 2017 तक, 1 लाख से ज़्यादा कब्रिस्तान बनाए, उसमें 4 आवास बन सकते थे, 4 लाख लोगों को आवास मिल जाता। अगर अल्पसंख्यक समाज में मुस्लिम भाइयों को ही अगर उनको मदद करती तो 4 लाख मुसलमान भाइयों को आवास मिल जाता। क्या किया उन्होंने? कब्रिस्तान में हैंडपाइप लगाने का काम किया, 1 लाख करीब ऐसे कब्रिस्तान की बाउंड्री करवाई है, 1 लाख हैंडपाइप उनमें लगवा दिए। 1 लाख हैंडपाइप अगर शहरों में लगवाते तो 5 लाख परिवारों को पानी मिलता। उनकी खुद की योजनाएं बेकार रही हैं, उन्होंने ज़मीन में नहीं मुर्दों के लिए काम किया, जिंदा लोगों का काम नहीं किया। हमारी सरकार जिंदा लोगों के लिए काम कर रही है। विपक्ष का काम है विरोध करना, वो केवल विरोध करेगा और जनता, उनके दल के लोग ही इस बार बीजेपी को वोट देने का काम करेंगे और बीजेपी के हर जगह सीटें जिताने का काम करेंगे। आखिरी सवाल, ये सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है निकाय चुनाव, यानी 24 का सेमीफाइनल, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा सूबा, बहुत बड़ा राज्य, बहुत बड़ी आबादी और सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है, कैसे देखते हैं? क्या वास्तव ऐसा है? अभी तक हमारी उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार, प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार, अब ये जो लोकल बॉडी के चुनाव हो रहे हैं ये हमारी तीसरी सरकार होगी, ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी बनने जा रही है, ये मेरा कहना। तो यहाँ पर बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, केंद्र में पहले, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर जो गली की सरकार यानी गली मोहल्लों की सरकार, यहाँ पर बीजेपी अपना परचम लहराने जा रही है, ऐसा कहना है केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर का। आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा कि परचम किसका लहराएगा, पर यहाँ बीजेपी अपने कामों के माध्यम से उसी एजेंडे पर जनता के बीच जाएगी और अपने परचम लहराने की यहाँ पर बात स्पष्ट कह रही है कि इस बार भी बीजेपी बहुत अच्छी सीटें जीत कर यहाँ पर आने वाली है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो लगातार जो भाजपा के दिग्गज नेता हैं वो यूपी में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं, तो वही निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच प्रथम चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन भी था। आज तमाम दलों के प्रत्याशियों द्वारा नामांकन किया गया, वही राजधानी लखनऊ में भी महिला मेयर प्रत्याशियों द्वारा पूरे जोश और विश्वास के साथ नामांकन की प्रक्रिया पूरी की गई है। भाजपा की महिला मेयर प्रत्याशी सुषमा खरकवाल के नामांकन में तमाम बड़े नाम शामिल हुए, जिसमें बीजेपी विधायक योगेश शुक्ला और नीरज बोरा समेत कई महत्वपूर्ण और राजनेताओं ने नामांकन में शामिल होकर बीजेपी प्रत्याशी का उत्साह बढ़ाया। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने बीजेपी विधायक सहित और महापौर की दौड़ में शामिल रही मानवी द्विवेदी से भी खास बातचीत की है। हमारे साथ बीजेपी से विधायक योगेश शुक्ला जी हैं। आज जिस तरीके से नामांकन के लिए जा रहे हैं सुषमा खरकवाल, क्या कहना है? समाजवादी पार्टी भी लगातार प्रत्याशी उतार के जो है भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देते हुए दिख रही है। नहीं, कोई कड़ी टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे निरंतर 365 दिन चलने वाली पार्टी है और लगातार हमारे कार्यकर्ता और हमारे पदाधिकारी जनता के बीच ही रहते हैं। हम चुनाव जिस दिन से जीतते हैं उसके बाद पुनः हम तैयारी में लग जाते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई मुकाबला नहीं है, समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी हमारे समक्ष नहीं है। क्या लगता है कितनी बड़ी जीत होने वाली है? बहुत बड़ी जीत होने वाली है, लाखों से ज्यादा जीत होगी। एक आखिरी सवाल, आखिर क्या वजह है कि संयुक्ता भाटिया जी के टिकट को काट के विकास डेवलपमेंट, विकास लखनऊ, बदलता हुआ लखनऊ लोगों को बात के लिए उत्साहित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया जाए। तो क्या संयुक्ता भाटिया जी विकास कार्य के लिए काम नहीं कर रही थी? बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन हमारे यहाँ दायित्व बदलते रहते हैं, तो ये दायित्व का बदलाव है।
ये टिकट कटना नहीं होता, ये दायित्व का बदलाव है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के विधायक योगेश शुक्ला, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो सीट है इससे भारतीय जनता पार्टी की एक जोरदार और बेहतरीन विजय होने वाली है और निकाय चुनाव में किसी भी तरीके से कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी के आगे टिकने वाली नहीं है। कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी लखनऊ। इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे मानवी द्विवेदी जी मौजूद है। आपका नाम जो है काफी चर्चा में रहा था इस मेयर पद के प्रत्याशी के रूप में, लेकिन टिकट जो है किसी और को देख रहा था, क्या महसूस कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ कितनी खड़ी है? मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और हम सभी बहनें एक परिवार का सदस्य हैं। यदि मुझे टिकट मिलता तो मुझे उतनी ही प्रसन्नता होती, लेकिन सुषमा दीदी को जो टिकट मिला है उससे मुझे बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि वो महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रही और महिलाओं का इससे सम्मान बढ़ा है और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि सुषमा खरकवाल दीदी को ये टिकट मिला लखनऊ महापौर का। क्या लगता है कितनी बड़ी विजय होने वाली है? ये निश्चित रूप से ये विजय सपा बसपा और अन्य दलों को ये एक इतिहास के रूप में कायम होगा, जितने ज्यादा वोटों से ये हमारी दीदी जीतेंगी। ये थी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की जो मेयर पद के प्रत्याशी की रेस में जिनका नाम सबसे आगे चल रहा था, टक्कर में चला था माननीय द्विवेदी जी ने साफ तौर पर कहा है टिकट किसी को भी मिले, भारतीय जनता पार्टी विकास कार्य पर चलने वाली, विकास के पथ पर चलने वाली पार्टी है और एक बड़ी जीत जो है लखनऊ के इस सीट पे होने वाली है। कैमरा पर्सन विजय के साथ में विवेक शाही, प्राइम टीवी लखनऊ। इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीरज बोरा जी हैं। जिस तरीके से आज बीजेपी के मेयर पद के प्रत्याशी जो है नामांकन कर चुकी हैं, सपा ने भी अपना नामांकन पर्चा भरवा हुआ है, किस प्रकार से देखते हैं जो मेयर का पद है, लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतती आई है लेकिन इस बार टिकट बदल दिया गया है? देखिए, एक हमारे नेतृत्व के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक आम कार्यकर्ता को, एक जमीनी कार्यकर्ता को मौका दिया है। हमारी प्रत्याशी सुषमा खरकवाल एक बहुत ही जमीनी कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए सदैव पिछले 3 दशकों से कार्य कर रही हैं, पार्टी के हर मोर्चे पर, हर प्रदर्शन में, हर कार्यक्रम में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और उनको टिकट देना निश्चित रूप से सब कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया, उत्साह बढ़ाने का काम किया है और मैं इसके लिए निश्चित रूप से आभार व्यक्त करता हूँ नेतृत्व को। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महापौर के चुनाव में एक इतिहास रचने जा रही है और इतनी भारी प्रचंड बहुमत से हमारी जीत होगी जो एक इतिहास लिखेगी। कुछ लोगों के बीच में, मेयर पद के प्रत्याशियों के बीच में एक रेस देखी गई थी, तमाम नाम जो है सामने आ रहे थे, लेकिन आखिर क्या कुछ मेन वजह रही है कि सुषमा खरवाल पे शीर्ष नेतृत्व में भरोसा जताया है? देखिए, मैंने बताया, पहले ही बताया कि कार्यकर्ता एक पहली प्राइम मेरिट है और सुषमा जी एक कार्यकर्ता हैं और ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो इतनी बड़ी पार्टी है, निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत सारे लोग इच्छुक होंगे चुनाव लड़ने के लिए और सबको देखा जाता है, लेकिन जो निर्णय प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व ने लिया है वो सराहनीय है। एक कार्यकर्ता को मौका देना, निश्चित रूप से उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। वंदना मिश्रा जो सपा की प्रत्याशी है मेयर पद के लिए, उन्होंने बातचीत में बताया कि इस बार जो है सपा जो है यहाँ से जीत के जो है जो बीजेपी का तिलिस्म है कई सालों से चलता है उसको तोड़ने की फिराक में है और उसको तोड़ेगी। ये उनका सोचना है, वो समय बताएगा उनको, जनादेश तो आ ही जाएगा, 4 तारीख को 13 को परिणाम आएगा, वो बता देगा। और मैंने तो ये प्रत्याशी का नाम ही पहली बार सुना है, ना वो सामाजिक रूप से कभी उनका नाम सुनाई पड़ा है और जो उन्होंने कहा कि तिलिस्म टूटेगा, तो तिलिस्म तो वो बहुत दिनों से तोड़ रहे हैं, 12 के बाद 14 में भी पराजय का सामना किया, 17 में विधानसभा में, 17 में स्थानीय निकाय में, 19 के लोकसभा में, 22 के विधानसभा में और 23 के स्थानीय निकाय में भी तिलिस्म उनका टूटेगा, जिन्होंने ये आशा रखी है वो जनादेश बताएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी इस निकाय चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल देख रही है? नहीं, स्थानीय निकाय अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है और राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्र का चुनाव होता है, आम चुनाव होता है। स्थानीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी की सदैव बढ़त रही है, सदैव ही भारतीय जनता पार्टी अग्रणी भूमिका में रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन मोहल्ले मोहल्ले पन्ने पन्ने पर मौजूद है और हमारे संगठन बहुत ही परिश्रम करता है और मुझे लगता है उस परिश्रम का परिणाम बहुत अच्छा आएगा। तो 37 जिलों में होने वाले चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन था। राजधानी लखनऊ में महिला मेयर प्रत्याशियों द्वारा पूरे जोश और विश्वास के साथ नामांकन का पर्चा भरा गया। इसी कड़ी में नामांकन कर लौटी लखनऊ से भाजपा की मेयर प्रत्याशी सुषमा खरकवाल ने प्राइम टीवी से खास बातचीत करते हुए अपनी जीत का दावा ठोका है।
हमारे साथ मौजूद है सुषमा खरकवाल जो बीजेपी के मेयर प्रत्याशी हैं, लखनऊ से बात करते हैं। मैडम ये बताइए क्या एजेंडा रहेगा बीजेपी? मैं नामांकन करके अपने वरिष्ठ नेतृत्व के साथ निकल रही हूँ और फिर मैं कल से जनता के बीच में जाऊंगी, जनता का आशीर्वाद लूंगी। आपको जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी की, क्या लगता है क्या माहौल है, कितनी बड़ी जीत होने वाली है? बहुत बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई खड़ा नहीं है। सुषमा जी और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही सबका साथ सबका विकास करती है। तो पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन था और सभी राजनीतिक दलों के मेयर पद के प्रत्याशियों ने बारी बारी से नगर निगम मुख्यालय में जाकर अपना नामांकन किया। वहीं नामांकन करने आए प्रत्याशी और पार्टी कार्यकर्ता अपने नामांकन को लेकर काफी उत्साहित भी दिख रहे थे। इसी कड़ी में नामांकन के लिए आई सपा की महिला मेयर प्रत्याशी वंदना मिश्रा से भी प्राइम टीवी के संवाददाता ने खास बातचीत की है, तो चलिए आपको सुनाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है। उसे समाजवादी पार्टी की महापौर पद की प्रत्याशी वंदना मिश्रा हमारे साथ हैं, आज वो नामांकन करने आई हैं। हमसे बातचीत उनसे करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या माहौल है समाजवादी पार्टी के लिए लखनऊ में। आज आपने नामांकन किया है, आप धरातल स्तर पर काफी चीजें देख चुकी हैं, एक समाज सेवी के रूप में आपने काम किया, एक पत्रकार के रूप में आपने काम किया, तो क्या कुछ संदेश जो है जनता के बीच लेके जाएंगी ताकि जनता जो है आपको पसंद करे महापौर पद के लिए? जनता तो मुझे पसंद कर रही है और जहाँ भी मैं जाती हूँ मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, मतलब पहले से ही लोग मुझे सब जानते हैं मुझे अब तो। और फिर अब समाजवादी पार्टी का कि मैं उम्मीदवार के रूप में मैदान में हूँ, उनकी उसकी कार्यकर्ता हूँ, तो वो जो सामाजिक न्याय की लड़ाई समाजवादी पार्टी ने लड़ी है उसका लाभ मुझे मिलेगा, समाजवादी पार्टी का जो विकास कार्य है उसका लाभ मुझे मिलेगा, और जो आज की अव्यवस्था है, जो आज की जो गंदगी है लखनऊ शहर में, जो गंदगी फैली हुई है, जो हमारे नगर निगम के शिक्षण संस्थानों की हालत है, जो नगर निगम के जो अस्पतालों की जो हालत है, जो उसकी चिकित्सा व्यवस्था की जो हालत है, जो जल भराव की समस्या है, जो नालों की सफाई की समस्या है, बेशुमार समस्याएं हैं, आप खुद सारी समस्याएं जानते हैं, और वो सब समस्याएं एक दिन में नहीं बन गई हैं, वो इन सालों में खूब गहराती गई हैं, क्योंकि लगातार आप समझ रहे हैं कि एक पार्टी कहीं उसमें रहा है, तो उन सारी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए हम लोग मैदान में हैं और हमारी जीत होगी। हम बिल्कुल बीजेपी ने संयुक्ता भाटिया का टिकट काट के सुषमा खरवाल को टिकट दिया है, उनकी पॉलिटिक्स से मुझे कोई लेना देना नहीं, वो किसका। आपको क्या लगता है कि बीजेपी डरी हुई है आपसे? नहीं, मैं ये कैसे कहूँ कि डरी हुई है कि क्या है, मैं अपने प्रति बहुत आश्वस्त हूँ, उनके बारे में मैं नहीं जानती। एक आखिरी सवाल, लखनऊ जो है सांस्कृतिक धरोहर धरोहर यहाँ पे है, काफी चीजें हैं और जिस तरीके से लखनऊ की देखा जाता है उसको, लेकिन तमाम जो इसके पहले हमने डेंगू का भी जिक्र किया था, डेंगू फैला हुआ था, जल जमाव की समस्या है, कैसे जो है आप महापौर बनने के बाद इन सारी चीजों को देख पाएंगी? देखिये, उन सारी चीजों को देख पाऊंगी एक तो जनता मुझे बताएगी, दूसरी बात आप सबका सहयोग मुझे मिलेगा, जनता की समस्याएं आप उठाते रहते हैं, हम आपके संपर्क में निरंतर रहेंगे, तो आप मुझे बताते रहेंगे क्या है, तो मेरा मार्गदर्शन भी आप करते रहेंगे, जनता करती रहेगी और उसके हिसाब से मैं देखती हूँ किस तरह से काम करूंगी, तो हम लोग का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा, हम बहुत अच्छा काम करेंगे, वो तो बिल्कुल सब आप भी निश्चिंत हैं, मैं भी निश्चिंत हूँ, इसलिए मुझे किसी से कोई चुनौती नहीं दिखती है। धन्यवाद। लखनऊ से समाजवादी पार्टी की महापौर पद की प्रत्याशी वंदना मिश्रा, जिन्होंने साफ तरीके से कहा है कि लखनऊ को जो है एक बेहतर महापौर मिलना चाहिए, क्योंकि लखनऊ एक सांस्कृतिक स्थल है, यहाँ पे कई प्रकार के धरोहर हैं और जिस तरीके लखनऊ में तमाम तरीके जाम से लेकर जल जमाव की समस्या व्याप्त हुई है, ऐसे में लखनऊ को चाहिए कि वो एक ऐसी, लखनऊ की जनता को चाहिए एक ऐसी महापौर को चुने जो साफ तौर पर उनकी बात को सुनता हो, उनकी बात को उठाता हो। कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी लखनऊ। सपा प्रत्याशी के बाद कांग्रेस के महिला मेयर प्रत्याशी संगीता जायसवाल से भी प्रेम टीवी ने खास बातचीत की है, इस दौरान उन्होंने जीत का दावा ठोकते हुए क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने लखनऊ के मेयर पद के लिए संगीता जायसवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है, इस समय हमारे साथ वो मौजूद है। मैम, नामांकन कर लिया है आपने, आगे की क्या लड़ाई है? आगे की लखनऊ की जनता के हित में जो काम होगा उसी पे आगे हम बढ़ेंगे। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीतता आया है, इस बार उन्होंने प्रत्याशी बदला है, क्या लगता है कितनी कड़ी टक्कर जो है कांग्रेस की तरफ से आप उनको देती? बिल्कुल टक्कर देंगे हम, बिल्कुल पूरा बराबर का उनसे उनको टक्कर देंगे। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता के बीच आप जाएंगी, जनता को उन मुद्दों से रूबरू कराएंगी और अपने लिए वोट मांगेंगी? जनता के हित में जो भी मुद्दे उठेंगे, चाहे वो महिला सुरक्षा हो,
चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो सीवर से, चाहे सफाई, हाँ बिल्कुल सफाई है, सीवर है, जिन चीज़ों से जनता यूजली जूझती है, उन सब लेके, उन सब मुद्दों को आगे लेके हम बढ़ेंगे। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस की प्रत्याशी संगीता जायसवाल जी, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जो भी जरूरी मुद्दे हैं उनको लेकर जनता के बीच में वो जाएंगी और जनता को उन मुद्दों से रूबरू कराएंगी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराकर कांग्रेस एक नया इतिहास रचने वाली है। लखनऊ से विजय के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी। लखनऊ के मेयर पद की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। वहीं आज जो नामांकन था उसका आखिरी दिन था। इस दौरान तमाम पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे, तो वहीं सुभाषपा के महिला मेयर प्रत्याशी अलका पांडे भी नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने प्राइम टीवी के संवाददाता से खास बातचीत भी की है। करके आप निकली हैं आज, क्या माहौल है, क्या मुद्दा लेके जनता के बीच जाएंगी? स्वच्छता है, महिलाओं का मुद्दा है, है हमारे अपनी खुद की जनता है, हम लोग जो जनता है, पब्लिक है, है जैसे ऑटो रिक्शा है, जाम लग जाता है, उनकी पार्किंग की व्यवस्था है, उस सब के मुद्दों पे आम जनता जैसे आप हैं, आप अपने घर की डेली सफाई करते हैं, वैसे ही हमको भी अपने शहर को अपना घर समझना चाहिए और उनकी डेली सफाई करनी चाहिए। मैं आप लेकर जाएंगी, आपकी पार्टी ने आप पे भरोसा जताते हुए आपको प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी मौका मिला है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रदान करती हूँ और अपने सभी जितने कार्यकर्ता हैं उन सब पदाधिकारियों का आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे मौका दिया गया है कि मैं एक बार अपने शहर को क्लीन, स्वच्छ और पार्किंग व्यवस्था और हर एक चीज का मौका दूं, कर सकूं मैं। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतता आया है, इस बार कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? देखिए, मुझे किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, सबने किया है, लेकिन एक तरीका होता है कि घर बना के घर छोड़ नहीं दिया जाता है, उसकी रिपेयरिंग मांगी जाती है। इस तरीके से अलका पांडे हमारे साथी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो लोगों के उम्मीदों पर खरे उतरने का काम करेंगी। जिस प्रकार से प्रत्याशी उनकी पार्टी ने उनको बनाया है, वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगी और भारी से भारी मतों से विजयी होंगी। कैमरा पर्सन विजय के साथ लखनऊ से विवेक शाही, प्राइम टीवी। नामांकन का आज आखिरी दिन था। इस दौरान तमाम पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, मेयर पद के प्रत्याशी, उन सभी ने अपना नामांकन दाखिल किया, तो वहीं आपकी महिला मेयर प्रत्याशी अंजू भट्ट से भी प्राइम टीवी ने खास बातचीत की है। निकाय चुनाव का जो बिल है वो बच चुका है, हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए पार्टी की अंजू भट्ट। मैम, निकाय चुनाव का बिल बच चुका है, किस तरह से आपकी तैयारी, क्या एजेंडा है? तैयारी तो मैं बाद में दिखाऊंगी, पहले आप नगर निगम की हालत देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए, बस इन्हीं सब के लिए मैं आई हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी सिर्फ इतनी है कि आम जनता जिन चीज़ों से परेशान है मैं उनसे बाहर निकालूँ। मैं खुद जिससे परेशान हूँ, मैं भी एक आम आदमी हूँ, तो मैं खुद जिस चीज़ से परेशान हूँ, जल में जल भराव से बहुत परेशान हूँ, नालों से परेशान हूँ, आवारा जानवरों से परेशान हूँ, स्टैंड नहीं है हमारे चालकों के लिए उससे परेशान हूँ, पार्कों में सुविधाएं नहीं है, महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट नहीं है, महिलाओं के लिए हमें एक अलग से वार्ड चाहिए, स्वास्थ्य के लिए वो सब नहीं है। मैम, विधानसभा में भी सीट आपकी नहीं मिल पाई, अब इस बार निकाय चुनाव में क्या एजेंडा रहेगा विपक्ष के लिए, किस तरह चुनौतियों किस तरह देखिए? हमारी जनता का जो भी होगा सब कुछ हमारे साथ आपके ऊपर, हमने वहाँ भी कोशिश की, हम यहाँ भी कोशिश ही कर रहे हैं, जनता हमें समझेगी, जनता हमें चाहेगी तो हम आएंगे। नहीं, आपकी पार्टी हमेशा शिक्षा के लेकर, सफाई के लेकर बात करती है, तो उसमें क्या बदलाव करना चाहेंगे शिक्षा में, सफाई में, और लखनऊ में क्या बदलाव और नया करना चाहेंगे? शिक्षा में मैं आपको बता दूँ बदलाव क्या हम लोग, मेरी मेड उसके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे नगर निगम के 3 स्कूल, उन 3 स्कूलों में आपके बच्चे जाते हैं, उनसे 120 फैसिलिटी जाती है, उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, आप जाके देखिए। आप क्या नहीं लाना चाह रहे शिक्षा में? मैं शिक्षा में चेंजेस यही लाना चाहती हूँ कि बच्चों को साफ सुथरा स्कूल मिलना चाहिए, अच्छी क्लासरूम मिलने चाहिए, बच्चों को खाना साफ सुथरा मिलना चाहिए, फीस तो लेने की कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि आप सरकारी स्कूल है तो कोई मतलब नहीं। चलिए, सड़कों की जो हालत है वो सुधारना चाहती हूँ। आम आदमी पार्टी से महिला महापौर के रूप में अंजू भट्ट को प्रत्याशी बनाया है और भैया हाथ आदमी से मत लगाया करो, क्योंकि वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप लोग इस बार बीजेपी सब आपके विपक्ष बहुत चुनौतीपूर्ण है, बोले कुछ ऐसा आपका नया एजेंडा? आम आदमी पार्टी ने महिला महापौर के रूप में अंजू भट्ट को उतारा है और अंजू भट्ट आज नामांकन के लिए यहाँ पर पहुँची है और हमारे साथ मौजूद है। अंजू जी, आम जनता की परेशानी है।
संदीप जी की सफाई तमाम मुद्दों पे हम उसमें बदलाव करना चाहेंगे। तो आज नामांकन का आखिरी दिन था और आपको बताते चले कि लखनऊ में पहले चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर आज तमाम पार्टी के प्रत्याशी नामांकन करने पहुंचे और सभी प्रत्याशियों ने अपने जीत का दावा ठोका है और कहा है कि अगर वो विजयी होते हैं और अगर उन्हें जनता का साथ मिलता है तो वो प्रचंड जीत के साथ साथ लखनऊ का विकास करेंगे और लखनऊ की जनता का खासा ख्याल रखेंगे और साथ ही साथ लखनऊ को और ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।